नमस्कार। मेडिसिन के रिमेटोलॉजी में अब हम बात करेंगे रिमेटॉयड आर्थराइटिस के बारे में। यह प्रॉब्लम क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कॉजेज की वजह से होता है। यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स की वजह से जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। इसमें होने वाली प्रेजेंटेशन बायलैटरल होती है, सिमेट्रिकल होती है, पेन के साथ प्रेजेंट करती है। तो ऐसे पेशेंट्स में थकान बढ़ जाता है, हालांकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी होगा, इजी ब्रूजेस, ब्लीडिंग की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। यहां पर चेंजेस इन ए मोल, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, फिर पेन इन द चेस्ट, सडन चेंजेस इन द वेट, एकलिस पेन, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्टूल, कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, ये सारी की सारी समस्याएं रिमेटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हो सकती हैं। आगे चल करके हम लोग रिमेटॉयड आर्थराइटिस के बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप देखिए, नॉर्मल ज्वाइंट्स को जब देखेंगे तभी ऑस्टियो आर्थराइटिस और रिमेटॉयड आर्थराइटिस के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। आप ये देखिए, ये है कार्टिलेजेस, ये है ज्वाइंट कैप्सूल्स, यहां पर ज्वाइंट कैप्सूल्स हैं, और ये है आप यहां पर देख सकते हैं बोन है, और ये प्रॉपर साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये ज्वाइंट्स का कैप्सूल है, ये कार्टिलेजेस हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, बल्कि बोन्स के एंड एक दूसरे को रब करने लगते हैं, इनके बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जो कार्टिलेजेस होते हैं वो थिन हो जाते हैं। रिमेटॉयड आर्थराइटिस में आप देखिए तो यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो उसमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिल रहा है, रेडनेस के साथ मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन स्वेलन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, और बोनी इरोजन स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर देखिए साइड में, देखिए बोन का इरोड होना भी शुरू हो गया है, यहां पर रब हो रहा है, यहां पर इरोड हो रहा है। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉयड आर्थराइटिस में अंतर करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर कार्टिलेजेस का लॉस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेजेस का लॉस होता है, जबकि रिमेटॉयड आर्थराइटिस में इन्फ्लेम्ड साइनोवियम की प्रेजेंस मिलती है। आप देखेंगे दोनों के बीच में और भी अंतर होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिकल होता है, जबकि ये सिमेट्रिकल प्रेजेंस के साथ होगा। अब हम दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह एसिमेट्रिकल है, यह सिमेट्रिकल है। कैसे, आप देखिए एक घुटने में दर्द है, जबकि रिमेटॉयड अगर होगा तो दोनों में ही होगा। बात समझ में आया। यहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस चूंकि डिजेनरेटिव चेंजेस है, इसलिए जहां पर वेट बियरिंग जो ज्वाइंट्स होंगे उनमें ज्यादा दर्द होगा, और वो भी एसिमेट्रिकल पेन होगा। कैसा पेन होगा, एसिमेट्रिकल, देखिए वेट बियरिंग। जबकि यहां पर आप देखेंगे स्मॉल ज्वाइंट्स और वेट बियरिंग ज्वाइंट्स सारे इन्वॉल्व होंगे और सिमेट्रिकल इन्वॉल्व होंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉयड आर्थराइटिस दोनों में मॉर्निंग स्टिफनेस एक जैसा ही होता है, करीब 30 मिनट से 1 आवर तक मॉर्निंग स्टिफनेस बना रहता है। यहां पर आप देख सकते हैं न सिर्फ सर्वाइकल, बल्कि ये एल्बो ज्वाइंट्स, रिस्ट ज्वाइंट्स, ये सारे के सारे स्मॉल ज्वाइंट्स में भी रिमेटॉयड आर्थराइटिस में डिस्टल इंटरफेलिंजल ज्वाइंट्स नहीं इन्वॉल्व कर रहा है। कौन नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, डिस्टल इंटरफेलिंजल ज्वाइंट्स नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले में आप देखिए ये डिस्टल इंटरफेलिंजल ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पर देखिए प्रॉक्सिमल और इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्टल नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिस्टल इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके का एक डिफरेंस रिमेटॉयड आर्थराइटिस में पता चला। रिमेटॉयड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून कॉजेस की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, जिसमें बायलैटरल सिमेट्रिकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण बहुत सारे ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको डायग्नोसिस करने का क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कितने ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं, सीरोलॉजी का क्या रिजल्ट है, और एक्यूट फेज रिएक्टेंट, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टोटल 10 वैल्यू काउंट की जाती है। इसमें ज्वाइंट्स के इन्वॉल्वमेंट की मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है, सीरोलॉजी की बेसिस पर मैक्सिमम मार्क्स
3 दिए जाते हैं, एक्यूट फेज रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू 1 दी जाती है और ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू 1 दी जाती है। इन सभी का मैक्सिमम सम 10 होता है और अगर यहां पर पेशेंट की मैचिंग करने के बाद पेशेंट की वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा मिल रही है तो वो रिमेटॉयड आर्थराइटिस की क्राइटेरिया फुलफिल करती है। तो ज्वाइंट्स के इन्वॉल्वमेंट में अगर एक लार्ज ज्वाइंट्स इन्वॉल्व है तो 0 मार्क्स, 2 से लेकर 10 तक लार्ज ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हैं 1, स्मॉल ज्वाइंट्स को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो 1, 2, 3 स्मॉल ज्वाइंट्स हैं तो 2, 4 से लेकर 10 स्मॉल ज्वाइंट्स हैं तो 3, 10 ज्वाइंट से ज्यादा और उसमें एटलीस्ट 1 स्मॉल ज्वाइंट्स हो तो 5। तो जब 10 से ज्यादा ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो ही 5 देंगे, लेकिन उसमें कम से कम एक स्मॉल ज्वाइंट्स होना चाहिए। फिर सीरोलॉजी, तो रिमेटॉयड फैक्टर के लिए अगर वो नेगेटिव है या NTCCP के लिए अगर नेगेटिव है 0 वैल्यू, लो लेवल ऑफ रिमेटॉयड फैक्टर या NTCCP तो 2 वैल्यू, हाई लेवल अगर इसका रहा तो 3 वैल्यू। फिर एक्यूट फेज रिएक्टेंट, एक्यूट फेज रिएक्टेंट में अगर नॉर्मल CRP या ESR की वैल्यू है तो 0, एबनॉर्मल CRP या ESR की वैल्यू होगी तो 1। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स अगर 6 वीक्स से कम है यानी एक्यूट फेज के जैसा लग रहा है तो 0 वैल्यू, क्रॉनिक फेज है इसीलिए, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है इसीलिए 6 वीक्स से ज्यादा होगा तो 1 वैल्यू देते हैं। तो मैक्सिमम इसका सम 10 होता है, लेकिन पता होना चाहिए अगर किसी पेशेंट का टोटल स्कोर मोर देन 6 आ रहा है तो वो रिमेटॉयड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस बना दी जाती है। तो इसीलिए जब कभी भी कोई पेशेंट आते हैं जिनमें ज्वाइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, रेडनेस के साथ है, जो भी हमने क्राइटेरिया भी फीचर्स मैंने आपको बताया उसके साथ वो आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका FBC कराते हैं, यूरिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ESR-C रिएक्टिव प्रोटीन जो कि मैंने आपको बताया ना ये इन्फ्लेमेशन के बारे में जानकारी देंगे, वहीं रिमेटॉयड फैक्टर एंटी रिमेटॉयड फैक्टर एंटी और CCP साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, ये रिमेटॉयड के मार्कर्स हैं, इनके बारे में हमें जानकारी लेना होता है। यही वजह है कि देखिए NTCCP और रिमेटॉयड फैक्टर्स की कितनी वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हैं। फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और ESR को भी एक क्राइटेरिया बनाया गया जो इन्फ्लेमेशन के बारे में जानकारी देते हैं, तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू है तो 1। देखिए ना ये केवल एक्यूट फेज के बारे में बता रहा है, मीन्स इन्फ्लेमेशन के बारे में बता रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 दी गई है। यहां पर देखिए डेफिनेटिव मार्कर्स हैं तो इसलिए इनकी वैल्यू जब हाई आएगी या एबनॉर्मल होगी तो इसमें 3 मार्क्स देते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया तो आप समझ ही सकते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ पेशेंट आया जिसका स्वेलिंग है, पेन है और ये सिमेट्रिकल है, बायलैटरल है, उसके रिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, MCP इन्वॉल्व हैं, PIP ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हैं, इस तरीके के ज्वाइंट्स 6 वीक से ज्यादा समय के लिए इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करेंगे, पेन 3 या 3 से अधिक ज्वाइंट्स में इन्वॉल्व हैं तो उस पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो RA फैक्टर की जांच कराए। इतना ही नहीं, यहां पर IgG के साथ लिंक्ड होता है तो इसका भी अपना इंपॉर्टेंस होता है, जितना ही ज्यादा स्मॉल ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है, तो इसलिए मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पर देखिए मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स, फिर प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजल ज्वाइंट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, तो प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजल देखिए ना, मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स, रिस्ट ज्वाइंट्स, फिर PIP, उसके बाद नी, तो स्मॉल ज्वाइंट्स यहां पर ज्यादा वैल्यू रखता है, फिर MTP ज्वाइंट्स, फिर शोल्डर, फिर एंकल, सर्वाइकल, फिर हिप, फिर एल्बो, फिर टेम्पोरोमेंडुलर ज्वाइंट्स, इस तरीके से घटते हुए क्रम में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आप समझ सकते ना, MCP मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजल ज्वाइंट्स और रिस्ट में अगर पेन है तो क्या है, ये रिमेटॉयड आर्थराइटिस के बारे में जानकारी देता है। नी तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन अगर MCP रिस्ट और PIP के साथ ये प्रेजेंट कर रहा है तो रिमेटॉयड आर्थराइटिस हो सकता है। रिमेटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट का एक देखिए रिस्ट और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को दिखाने की यहां पर कोशिश की गई है, तो आप देखिए सब लक्सेशन ऑफ अल्नर हेड, अब देखिए ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ रेडियो अल्नर लिगामेंट्स, ये फीचर है। दूसरा रेडियल डेविएशन
ऑफ हैंड एट रिस्ट, अब देखिए रेडियल साइड में रेडियल डेविएशन ऑफ हैंड एट द रिस्ट, फिर अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स एट मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स, तो मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स के लेवल पर अल्नर डेविएशन, हैंड के लेवल पर रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखना है, रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट विद अल्नर डेविएशन ऑफ डिजिट्स जो मेटाकार्पोफेलिंजल ज्वाइंट्स के लेवल पर देखा गया। इसके अलावा बॉटिनियर डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी, यह प्रॉब्लम बॉटिनियर डिफॉर्मिटी ऑफ थंब आप देख सकते हैं और स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स या लेटर स्टेज में एडवांस स्टेज में इस तरीके का होगा, बॉटिनियर डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ऐसे पेशेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी मिलते हैं जैसे रेमेटॉयड, तमाम ऐसे पेशेंट जो जिनमें एक्टिव डिजीज है उनमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिलते हैं, तो रेमेटॉयड नोड्यूल्स जिन्हें कहते हैं, करीब 20-35% ऑफ रेमेटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट्स जिनमें सीवियर एक्टिव डिजीज है उनमें एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ फोर आर्म और ओलेक्रेनन बर्सा में ज्वाइंट्स पर और प्रेशर पॉइंट्स पर जैसे सैक्रम पर या ऑसिपुट पर रेमेटॉयड नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये रेमेटॉयड नोड्यूल्स आप देख सकते हैं ये ओवर ज्वाइंट्स या फिर आप देख सकते हैं जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं सैक्रम या ऑसिपुट्स वाले एरिया में रेमेटॉयड नोड्यूल्स मिलते हैं। इनकी जब हिस्टोलॉजी देखी गई है तो ये सेंट्रल एरिया फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस जिसमें जोन ऑफ पैलिसिड्स ऑफ एलोंगेटेड हिस्टियोसाइट्स एंड पेरिफेरल लेयर्स ऑफ सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है, इस तरीके के नोड्यूल्स का यहां पर देखिए दिया गया है इमेज। तो देखिए फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस है सेंट्रल में और यहां पर पैलिसिड्स हिस्टियोसाइट्स सेल्स हैं और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट हैं, ये लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स की प्रेजेंस को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से रेमेटॉयड नोड्यूल्स, फोकल वैस्कुलाइटिस और कैप्लन सिंड्रोम। कैप्लन सिंड्रोम बेसिकली कोल वर्कर्स में पाई जाती है, आप इस एक्सरे में देख सकते हैं रेमेटॉयड आर्थराइटिस के अलावा मल्टीपल एक्सरे में मल्टीपल राउंडेड ओबेसिटीज नजर आ रही हैं और इसमें कुछ हील्ड कैल्सिफाइड ये नोड्यूल्स मिल रहे हैं, ये कैप्लन सिंड्रोम के पेशेंट्स में देखा जाता है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा, कैप्लन सिंड्रोम के मामलों में जिसमें रेमेटॉयड न्यूमोकोनियोसिस होता है यह सीरोपॉजिटिव रेमेटॉयड आर्थराइटिस और फाइब्रोसिस के प्रेजेंस के साथ पेशेंट्स में देखा गया है। इसमें 5-50 वेल डिफाइंड नोड्यूल्स अपर लंग के लोब्स में या लंग्स की पेरिफेरी में नजर आ रही थी, नोड्यूल्स अनचेंज्ड रहते हैं, कैल्सिफाइड हो जाते हैं, थिक वॉल्ड कैविटीज को दर्शाते हैं और यह कोल वर्कर्स में रेमेटॉयड आर्थराइटिस के साथ प्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेटॉयड आर्थराइटिस प्लस न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। इसी तरीके से एक और टर्म है फेल्टी सिंड्रोम, तो न्यूमोकोनियोसिस कहां पर होगा, माइन या कोल वर्कर्स में, फिर फेल्टी सिंड्रोम की बात करेंगे। फेल्टी सिंड्रोम में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे सेंटा के क्लोज नाम से याद किया जा सकता है, आप देखिए स्प्लिनोमेगैली होगा, एनीमिया होगा, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और आर्थराइटिस, रेमेटॉयड आर्थराइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो फेल्टी सिंड्रोम रेमेटॉयड आर्थराइटिस जिसमें स्प्लिनोमेगैली, न्यूट्रोपीनिया यानी डिक्रीज्ड न्यूट्रोफिल काउंट्स, क्यों, क्योंकि यहां पर लगातार लंबे समय तक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रही हैं। ध्यान रखना है कि यहां पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो चाहे जो भी मामले होते हैं उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज करता है पेशेंट्स उसके सिम्टम्स इंप्रूव करते हैं। अब ऐसे पेशेंट्स में लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से कराए जाएंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, उसी बात को रिकॉल यहां पर करेंगे। रेमेटॉयड फैक्टर जो कि अधिकतर रेमेटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट्स में पाया जाता है, करीब 80% पेशेंट्स में रेमेटॉयड फैक्टर पॉजिटिव मिलता है, यह
एसोसिएटेड होता है विद इंक्रीज्ड मॉर्बिडिटी। 5% नॉर्मल पेशेंट्स में भी यह पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यह फॉल्स पॉजिटिव SLE, TB, सार्कोइडोसिस, सिफिलिस, CLD के पेशेंट्स में मिल सकता है, इसीलिए हम ऐसे टेस्ट की बजाय एक और टेस्ट कराते हैं जो ज्यादा स्पेसिफिक हो, NTCCP एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक होता है इन कंपैरिजन टू RA फैक्टर। इसके बाद सिनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस करेंगे, जिसमें ज्वाइंट्स फ्लूइड, जो रिमेटॉयड आर्थराइटिस के जो ज्वाइंट्स की फ्लूइड होगी उसकी जांच करेंगे। यह स्टेराइल होता है और इसमें PMN यानी खास तौर पर आपको PMN यानी इन्फ्लेमेटरी सेल्स की प्रेजेंस मिलेगी, प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ी हुई होगी, विस्कोसिटी घटी हुई होगी और कॉम्प्लीमेंट्स घटे हुए होते हैं। तो सिनोवियल फ्लूइड्स का एनालिसिस किया जा सकता है और ESR जब एक्टिव फेज में यह एलिवेटेड होगा, और आप समझ सकते हैं ESR क्यों बहुत स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन यह मेडिकल थेरेपी के बाद घटने लगेगा, क्योंकि यह बढ़ा हुआ होता है। जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है तो इसकी वैल्यू बढ़ी हुई होती है, जब इसकी वैल्यू घटने लगती है तो इसमें इट मीन्स मेडिकल थेरेपी का रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर के रूप में इस्तेमाल होता है, और ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलती है। तो चाहे तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पर एनीमिया की प्रेजेंस को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इसमें रिमेटॉयड फैक्टर या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है। इसमें आप समझ लें कि कोई बहुत स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसलिए NTCCP टेस्ट कराना पड़ता है। तो एंटीसाइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड NTCCP को चेक करते हैं। इसके अलावा एक्सरे पर हम ज्वाइंट्स के इरोजन को देखते हैं। सिनोवियल फ्लूइड्स में इन्फ्लेमेटरी सेल्स 50,000 से भी ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं ये लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें जानकारी के बारे में मीन्स अच्छी समझ बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट का ऑप्शन।